70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर चीते दिखेंगे। देश में खूबसूरत जानवर चीता ने अकबर हो या मोदी सबको आकर्षित किया है। अकबर अपनी जवानी में जंगलों से चीते या उनके शावकों को पकड़कर लाता और उन्हें पालतू बनाता था। अकबर के देखा देखी उसके दरबारियों और अफसरों ने भी चीतों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, जिससे जंगलों से चीते गायब होने लगे। इसके बाद के राजाओं और अंग्रेज अफसरों ने भी अकबर की परंपरा को जारी रखा, जिससे चीता की आबादी पर खासा असर पड़ने लगा। लोग कुत्ते की तरह पट्टा डालकर चीतों को रखने लगे। पालतू होने की वजह से चीता प्रजनन नहीं कर पाया और विलुप्त होने लगा। 1880 में विजयनगरम के राजा के पालतू चीते ने विशाखापट्टनम के गवर्नर के एजेंट ओबी इरविन पर हमला कर उसे मार दिया था। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने चीते को हिंसक जानवर घोषित कर दिया। लोगों ने चीतों को मारना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ की रियासत के राजा ने अंतिम 3 चीते मार दिए। इसके बाद देश में कहीं भी चीते नहीं दिखे। बाद में नेहरू सरकार ने 3 साल बाद 1951-52 में भारत को चीता मुक्त घोषित कर दिया। Spend a day looking blank.